एससी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 51, अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम इज फिक्स्ड एट द टू एंड्स एंड इज वाइब्रेटेड इन इट्स फंडामेंटल मोड. अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप प्लेस्ड विद इट्स ओपन एंड नियर द वायर इज सेट अप इनटू रेजोनेंस इन इट्स फंडामेंटल मोड बाय वाइब्रेटिंग वायर. फाइंड द टेंशन इन द वायर. स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज गिवन 340 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से एक सिचुएशन दी है कि एक वायर दी हुई है हमें जिसकी लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर और उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम. इस वायर को दो फिक्स डिजिट के बीच में फिक्स किया हुआ है और इसके पास ही एक पाइप जो क्लोज एट वन एंड होगा और एक एंड उसका ओपन होगा. जो ओपन एंड है वो वायर के पास रखा हुआ है जिसकी लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर और वेलोसिटी ऑफ द एयर साउंड इन एयर दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड. अब इस पाइप को इसके पास रखने वाले हैं. अब इस वायर को हमें वाइब्रेट करना है किसी सोर्स से वाइब्रेट करना है और ये वाइब्रेट कैसे होगा इन इट्स फंडामेंटल मोड. तो ये वाइब्रेट होने के बाद इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी और ये जो वाइब्रेटिंग वायर एक सोर्स बनेगा इसके लिए और इसके अंदर जो एयर कॉलम है उसे वो वाइब्रेट करते करते रेजोनेंस जब आएगा तो उसके अंदर की एयर मतलब एयर कॉलम की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके वाइब्रेशन की वो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रही है. मतलब यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा इन दोनों का तो इसकी जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी होगी क्योंकि इस एयर के पाइप के अंदर जो एयर कॉलम है उसे वाइब्रेट या रेजोनेंस कौन कर रहा है तो ये मतलब यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तब ये इस फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है और ये भी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है. लेकिन जब एक सोर्स दूसरे को रेजोनेट करता है तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है उसे बोलते हैं हम रेजोनेंस. तो इस केस में इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वायर जो होगी तो इज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस पाइप है. तो और हमें बोला है कि वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहे तो जब आपका स्टडी हो जाता है तो आपको जल्दी से समझ में आता है कि ये वाइब्रेटिंग मोड में है तो इसकी फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है तो ये 1/2 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टी अपॉन म्यू इज इक्वल टू इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है वी अपॉन एक क्लोज पाइप है तो 4L ओपन पाइप होता है तो 2L. इस तरह से आप एक क्वेश्चन लिख के इसका बाकी के वैल्यू पुट करके टी फाइंड कर सकते हो. लेकिन जब स्टार्टिंग में जब स्टडी करना स्टार्ट किया हुआ है तब किस तरह से सोचना है इस न्यूमेरिकल को ये जल्दी याद नहीं आता है या याद ही नहीं आता है तो किस तरीके से सोचना है किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं. तो इतना पता चला कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी. अब इस फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा. यहाँ पे भी लिखा वेलोसिटी अपॉन लैम्ब्डा. इसके लिए 1 लिखते हैं इसके लिए 2 लिखते हैं. अब वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे जो होगी स्ट्रिंग पर तो वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन स्ट्रिंग ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. तो इस लास्ट चैप्टर से सपोज इसे इक्वेशन 1 नाम देते तो लास्ट चैप्टर से हम V1 को लिख सकते हैं ए वेलोसिटी ऑन द स्ट्रिंग डिपेंड होती है वहाँ पे कितना टेंशन है और जो वायर दी है उसका मास पर यूनिट लेंथ मतलब ए होता है टी अपॉन म्यू. ये म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ होता है तो इसकी भी वैल्यू पुट करते तो ये टी और ये मास पर यूनिट लेंथ मतलब ये एल ऊपर चला जाएगा तो इतनी होगी वेलोसिटी. तो जो जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं V1 इज इक्वल टू अंडर रूट टी हमें फाइंड करना है लेंथ ये 30 सेंटीमीटर लेंथ ये 30 सेंटीमीटर मतलब 30 × 10⁻²⁺ मीटर डिवाइडेड बाय ए मास कितना दिया है 10 ग्राम मतलब 10 × 10⁻³. तो वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग कितनी आएगी तो ये ऊपर चला जाएगा तो +3 बनेगा तो ये अंडर रूट टी इंटू ए +3 और यहाँ पे ऑलरेडी -2 है तो यहाँ पे 10 रहेगा और ये 30 मतलब ये 30T आ जाएगा 30T ये यहाँ इसका काम हो गया. और लैम्ब्डा 1 तो यहाँ पे ये लैम्ब्डा 1 जो है वो कितना है तो नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्ब्डा बाय टू मतलब ये डिस्टेंस कितना है ये जो भी वेवलेंथ है हमने λ/2 और इसे कह रहे हैं हम कि ये लेंथ है इक्वल टू लेंथ तो यहाँ से λ1 कितना मिल रहा है 2 × L तो λ1 भी यहाँ पे मिल रहा है हमें 2 × L लिखते हैं इसके लिए इतना मिल गया. अब
तो ये वी टू की वैल्यू दी है ऑलरेडी, हमें कहा है कि ई इतनी वेलोसिटी है, वी टू भी मिल गया 340 मीटर पर सेकेंड। और लैमरा टू मतलब ई लैमरा टू, तो इसे भी फाइंड कर सकते हैं लैमरा टू कितना आएगा। तो यहाँ पे नोड और एंटी नोड इनके बीच में डिस्टेंस होता है लैमरा बाय फोर, तो ये लैमरा टू लिखा है तो लैमरा बाय फोर, और ये लेंथ दिया हमें 50 सेंटीमीटर, इसे एल टू लिखते हैं। तो लैमरा टू कितना आएगा, फोर इंटू एल टू, फोर इंटू एल टू, तो लैमरा टू भी पता चला, लैमरा टू भी पता चला कि फोर एल टू। तो इक्वेशन वन को फ्रॉम वन लिख देंगे क्या, वी वन, वी वन कितना है तो 30 अंडर रूट 30 टी डिवाइडेड बाय लैम्ब्रा वन, लैम्ब्रा वन कितना है 2L1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻²² इज इक्वल टू वी टू, वी टू दिया है 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्ब्रा टू, लैम्ब्रा टू कितना दिया हुआ है 4L2, मतलब 4 × 10⁻²L2 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10⁻²। तो हमें टेंशन फाइंड करना है टी, तो पहले जो कैलकुलेशन हो सकता है उतना कर देते हैं। तो ए जीरो इसे कट कर देते हैं और ये रूट 30 टी इज इक्वल टू ए 34, ये इसे मल्टीप्लाई हो गए इधर, तो ये भी कट होगा, तो 2 × 30 डिवाइडेड बाय, और ये 34 ऑलरेडी है यहाँ पे 34, 2 × 30 और ये 4 × 5, तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, तो ये 20 कहाँ पे कट हो गए, ये 2 × यहाँ पे 10, तो रहेंगे 3। अब स्क्वायर करते तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 30 टी इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करते तो ये आएगा 34 × 34 × 3 × 3। अब ये 30 यहाँ पे डिवाइड हो गए तो इतना टी रहेगा, तो ये 3 10s, तो 34 का स्क्वायर, तो ये 34 का स्क्वायर, कल भी किसी एक न्यूमेरिकल, दो तीन न्यूमेरिकल पहले हमने इस 34 का स्क्वायर किया था तो वो आया था 1156, और इनटू ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, और तो यहाँ पे ये आएगा टी इज इक्वल टू 3 6 18 150 16 1 3 1 3 4 और ये 3, और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो मतलब ये टेंशन कितना आ रहा है ऑन द वायर 346.8, ऐसे लिखेंगे 347 न्यूटन।